मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट सेवन वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट सेवन वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेवन पे है और एक्सरसाइज है आपका 17.2। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के एक छोर का नियामक 2.3 है तथा केंद्रक -2.5 है, तो व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, और वृत्त का एक हम लोग व्यास खींच देंगे, तो व्यास केंद्र से ही ना होकर जाएगा। चलिए, तो ये केंद्र से होकर जा रहा है, तो एक केंद्र का नाम ओ दे देते हैं, ठीक है, और इसका निर्देशांक यहाँ पे दिया ही है -2.5, और एक से इसका ए नाम दे देते हैं जिसका नियामक आपके पास 2.3 है, और एक को बी मान लेते हैं और इसका निर्देशांक लिख लेते हैं x, y, ठीक है। लिख देंगे कि माना व्यास ए बी वाले वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। इसका केंद्र क्या है? ओ है। मान लिए इस ए बी व्यास वाले वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। तो जब ये केंद्र है, यानी कि ये दोनों का मध्य बिंदु होगा, है ना, यानी कि यहां लिख सकते हैं कि ओ ए बी का मध्य बिंदु होगा। और यह भी यहाँ लिखे हैं माना बी का नियामक क्या माने हम लोग, बी का निर्देशांक या नियामक भी लिख सकते हैं कितना है, x, y है। ए का तो यह दिखाए ही है, ओ का भी दर्शाए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो यह उसको भी लिख सकते हैं, ए का नियामक या निर्देशांक कितना है आपका 2.3। अच्छा, ओ का नियामक या निर्देशांक जो है वहां पर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो वह है आपका -2.5। अच्छा, जो कि ओ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ मध्य बिंदु सूत्र लगा सकते हैं ना, तो मध्य बिंदु सूत्र से हो जाएगा 2 + x/2 और +3 + y/2 बराबर -2.5। समझ में आया ना क्या किए हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 ये लगा दिए। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो 2 + x/2 बराबर में हो जाएगा -2 और 3 + y/2 बराबर में हो जाएगा 5। आगे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई निकल जाएगा, ये जाके उसमें गुना करेगा, तो 2 + x = -4, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का, तो -4 में से -2 घटा दिए, x = -6 आ गया, ठीक है, -6 हो गया, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सही से लिख दीजिए, -6 है ना x का वैल्यू, -6। चलिए, और यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, 3 + y, इसको ले जाकर उधर गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा और 3 जाके उधर घट जाएगा, तो 10 में से 3 घट जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से, इसलिए b का नियामक या निर्देशांक भी लिख सकते हैं, नियामक बिंदु b का नियामक कितना हो गया, तो हो जाएगा -6, 7। x का मान और y का मान यही ना आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 में कह रहा है कि यदि बिंदु C -1.2 बिंदुओं A 2.5, ठीक है, बिंदु C जो है बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:4 में, है ना, क्या करती है, अंतः विभाजित करती है, ठीक है, तो B का नियामक निकालना है। चलिए इसका फिगर पहले बना लेते हैं। ये A एक बिंदु दे देते हैं, एक बिंदु B यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका नियामक तो आपके पास दिया है 2.5 और इसका आपको मान लेना होगा x, y। अच्छा, दोनों को मिलाने वाली रेखा एक ही देते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये ए बी एक रेखा हो गई। अच्छा, इस पर एक कहीं पे भी एक बिंदु सी ले लेते हैं जिसका नियामक है -1.2, ठीक है। अनुपात दिया है आपके पास, एम अनुपात ने कितना दिया है, 3:4। हमें बिंदु बी का निर्देशांक निकालना है, यही ना करना है। चलिए, तो अब इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना बिंदु बिंदु बी का निर्देशांक बराबर में x, y। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे वही विभाजन सूत्र, तो ये रहा आपका x1, y1, ठीक है, और ये रहेगा आपका x2, y2। तो विभाजन सूत्र तो पता ही है, चलिए इसमें डायरेक्ट हम लगाते हैं, m यानी कि 3, x2 यानी कि x है, x2 की जगह x है, प्लस n यानी कि 4, ठीक है, और x1 यानी कि 2,
और बटा में m प्लस एन यानी कि 3 प्लस 4 कॉमा m यानी कि 3 y2 यानी कि y है y2 का मान और प्लस n तो n के जगह पे 4 है y1 यानी कि 5 और बटा में m प्लस n और बराबर में ये जो बिंदु दिया है माइनस एक कॉमा दो। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 3x प्लस 8 बटा 7 तीन वाई या तीन वाई हो जाएगा ना और प्लस प्लस पंचों का 20 और बटा में 7 बराबर माइनस एक कॉमा दो। चलिए अब यहाँ से अलग अलग बांट देते हैं। चलिए तो हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 8 बटा 7 बराबर माइनस का एक और 3y प्लस 20 बटा 7 बराबर में दो। ठीक है अब चलिए ये जाके साथ उधर गुना कर जाएगा तो 3x प्लस 8 बराबर में माइनस का 7 ये 8 जाके उधर माइनस का हो जाएगा ना तो 3x बराबर माइनस 7 माइनस 8 3x बराबर माइनस का 15 हो जाएगा। चलिए यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस का 15 बट्टा 3 कट जाएगा 5 बार में x का मान क्या गया माइनस का 5 माइनस का 5। अब यहाँ देखिए यहाँ से y निकालना होगा तो 3y प्लस 20 बराबर में 14 20 जाके उधर घटाइएगा तो 3y बराबर हो जाएगा 14 में से 20 घटा देंगे यानी 3y बराबर हो जाएगा आपका कितना माइनस का 6 यानी y बराबर हो जाएगा माइनस 6 बट्टा 3 कट जाएगा दो बार में माइनस का 2 आ गया। इसलिए बिंदु बिंदु B का निर्देशांक बराबर में माइनस 5 कमा माइनस 2 हो जाएगा। समझ में आया चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब ये कह रहा है कि माइनस 8 कमा 3 बिंदुओं A 2 कमा माइनस 2 तथा B इसको मान लीजिए यहाँ छूट गया B माइनस 1 माइनस 4 कमा 1 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बढ़ता है यानी कि यह जो बिंदु है बिंदु ए और बी को किस अनुपात में बांटा है ये आपको निकालना है। ठीक है तो देखिए अब यहाँ बात आती है आप आगे पढ़े हैं कि अनुपात दो तरह के आपको बताए होंगे दो तरह से एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली यानी कि आपको बताए थे ना कि अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन याद है ना आपको तो कैसे पता चलेगा तो देखिए हम लोग अनुपात तो हमेशा हर एक क्वेश्चन के लिए चाहे अंतर विभाजन हो चाहे बाह्य विभाजन हो यहाँ देख के आपको नहीं पता चल रहा है लेकिन अगर अनुपात निकालने के क्रम में जैसे यहाँ मान लेंगे कि माना माना बिंदु बिंदु सी उसका मान लेते हैं माइनस 8.3 बिंदु ए 2.-2 तथा बी माइनस चार कॉमा एक को मिलाने वाली रेखा को के अनुपात 1 में काटता है हमेशा आपको यही मानना होगा क्योंकि आपको देखिए क्वेश्चन से नहीं पता चल रहा है कि इंटरनली डिवीजन हो रहा है कि एक्सटर्नली हो रहा है ये आपको हमेशा मानना है कि अनुपात अगर के का मान माइनस में आता है तब वहां समझ लीजिए कि एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है और के का मान प्लस में आया है तो इंटरनल हुआ है ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में तो ये रहा आपका x1y1 ये रहा x2y2 और ये है mn। ठीक है ध्यान से रखिएगा फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है हमको आपको बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है इसलिए बार बार नहीं लिख रहा है। ठीक चलिए आपको क्या करना होगा m तो m की जगह ये होगा n की जगह ये होगा m x2 यानी कि ये वाला माइनस 4 प्लस n x1 ठीक है और बटा में m प्लस n। ठीक है फिर उसी तरह से m यानी कि k y2 यानी कि 1 प्लस n यानी कि 1 और y1 यानी कि माइनस का 2 बटा में m प्लस n और बराबर में हो जाएगा माइनस 8.3। ठीक है चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं माइनस का 4k प्लस का 2 बटा में k प्लस 1 यहाँ k माइनस 2 बटा k प्लस 1 बराबर माइनस 8.3। देखिए अब इसमें से x नियामक को x नियामक के बराबर कर दिए या y नियामक कोई एक करेंगे तो हमारा काम हो जाना है। ठीक है कोई भी एक कर दीजिए माइनस 4k प्लस 2 बटा k प्लस 1 बराबर में माइनस का 8 ये जाकर उधर गुना करेंगे ना तो हो जाएगा माइनस का 4k
प्लस का टू बराबर में माइनस का आठ के माइनस का आठ, इसको इधर ले जाते हैं इसको इधर ले जाते हैं, माइनस का फोर के प्लस का आठ के बराबर में माइनस का आठ और माइनस का दो। चलिए यहाँ हो जाएगा चार के बराबर में, यहाँ माइनस का दस यानी कि के बराबर आ जाएगा माइनस दस बट्टा चार, है ना, दो से काट देते हैं, दो पंजे दस, देखिए के का मान माइनस में है ना, निगेटिव है, यहाँ पे माइनस में है पांच बट्टा दो, यानी कि ये माइनस आने का मतलब है कि बाह्य विभाजन हुआ है, ठीक है। तो यहां से आपको यहां से पता चल गया कि बिंदु बिंदु सी ए बी को पांच अनुपात दो में बाह्य रूप से विभाजित करती है, बाह्य रूप से विभाजित करती है, समझ गए, तो याद रखना होगा ये विभाजित करती है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि अगर माइनस में आएगा के का मान तो बाह्य विभाजन हो रहा है, और प्लस में आता है तो अंतः विभाजन होता है, ठीक है। इसीलिए इसमें फिगर नहीं बनाया है, फिगर बनाते तो गड़बड़ हो जाता है ना, इसीलिए फिगर नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ बाह्य विभाजन हो रहा है अंतः विभाजन हो रहा है, इसका पता तो आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए इसमें फिगर नहीं बनाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि उस त्रिभुज के केंद्रक तथा अंतर केंद्र निकालें जिसके शीर्ष यहाँ पे तीनों दिए गए हैं। चलिए तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अच्छा पूछ रहा है केंद्रक, तो आपको त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए फॉर्मूला पता है ना, त्रिभुज का केंद्रक के लिए बताए हैं आपको फॉर्मूला, ठीक है। केंद्रक के लिए क्या बताया है कि यदि अगर आपका दिया है तीनों शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, समझ गए ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। चलिए तो इससे हम लोग निकालते हैं, तो पहले तीनों शीर्ष यहाँ पर लिख देते हैं, दो कॉमा चार, इसका है छह कॉमा चार, इसका है दो कॉमा जीरो। अच्छा इसका मान लेते हैं, इसका जो आपका केंद्रक है, इसका जो केंद्रक है, केंद्रक आप समझते हैं ना क्या होता है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। चलिए ये आपका केंद्रक मान लेते हैं, ठीक है, इसका नाम कुछ देते हैं जी, ठीक है। तो माना माना त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक, ए बी सी का केंद्रक जी है, जी है, ठीक है। तो जी का नियामक निकालना होगा ना, जी का निर्देशांक, तो कैसे निकालेंगे जी का निर्देशांक, तो जी का निर्देशांक निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, जी का मान कैसे निकालेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, यानी कि 2 प्लस 6 प्लस 2 बटा में 3, अच्छा 4 प्लस 4 प्लस 0 और बटा में 3, यही ना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कितना, 10 बटा 3, ये हो जाएगा आपका 8 बटा 3, ये आपका केंद्रक निकल गया। अब बात आती है अंतः केंद्र की, तो अंतः केंद्र निकालने के लिए देखिए फिर से हम लोग उसका फिगर बनाते हैं अलग से और तब हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो ये रहा आपका त्रिभुज, इसका भी नाम वही देते हैं ए बी और ए सी, शीर्ष लिख लेते हैं ऊपर से देख के। चलिए ए का है आपका दो चार, फिर बी का है छह चार और दो जीरो, दो चार छ चार दो जीरो, छ चार और दो जीरो, यही ना। अब देखिए हम लोग यहां मान लेते कि माना माना त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, अंतः केंद्र ई है, ठीक है। अंतः केंद्र क्या है आपका, ई है। तो अंतः केंद्र होता कहाँ है, तो इनके ये जो कोण है ना, कोणों का संधिभाजक, तीनों कोणों का संधिभाजक जिस बिंदु पर मिलता है वही आपका अंतः केंद्र होता है, यही आपका अंतः केंद्र है, ठीक है। तो इसी को हम लोग ई माने हैं। अब देखिए आपको ई का नियामक चाहिए, तो ई की नियामक निकालने के लिए देखिए देखिए ए शीर्ष के सामने वाली भुजा ए कहलाती है, बी शीर्ष के सामने वाली भुजा इसको बी, और इस सी शीर्ष के सामने वाली भुजा को सी, और ये आपका हो जाएगा एक्स वन वाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू, और ये हो जाएगा एक्स थ्री वाई थ्री। चलिए तो ई का नियामक निकालना है, तो पहले इस ए इस बी और इस सी, यानी कि तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए।
चलिए स्मॉल ए की बात करें तो वो बीसी की लंबाई होगी, तो कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ घटेगा तो 4 और यहाँ भी घटेगा तो 4 का स्क्वायर 16 + 16 √32। √32 का मतलब कि 4√2, ठीक है, 4√2 आ गया, ठीक है, ए का मान। फिर उसी तरह से चलते हैं हम लोग इस बी के मान के लिए, यानी कि ए सी की लंबाई, बी बराबर हो जाएगा ए सी, यानी कि इसका हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा तो 2 - 2 का स्क्वायर और प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, बच जाएगा 4 का स्क्वायर तो 4 ही आएगा। चलिए अब सी की बात करें, यानी ये वाला, तो इसका इसका किसके बराबर, ए बी के ना, ए बी की लंबाई यानी कि रूट अंडर, रूट अंडर हो जाएगा 6 - 2 का स्क्वायर और प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, तो यहाँ घटेगा तो 4 का स्क्वायर, यहाँ घटेगा तो 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 है, 16 का रूट 4 ही आएगा, यही ना आएगा आपका। चलिए तो ये हमें ए बी सी का मान पता चल गया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया ही है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक अंतःकेंद्र निकाल के आपको फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, ए एक्स वन प्लस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन सॉरी बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री और बटा में ए प्लस बी प्लस सी, समझ में आया ये आपको। फिर उसी तरह से वाई के नियामक के, वाई के निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा आपका, ए वाई वन प्लस बी वाई टू और प्लस सी वाई थ्री बटा में ए प्लस बी प्लस सी, ये ना हो जाएगा फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे मानों को रखते हैं, तो आगे इसके मानों को यहाँ से रख दीजिए, यहाँ पे सब तो दिया ही है, पहले यहाँ लिख लेते हैं कि ए का मान, बी का मान, सी का मान ऊपर कितना है, तो ए है 4√2, ये दोनों 4 है, ये आपका 4√2 है और ये भी आपका बी भी 4 है और सी भी 4 है, फॉर्मूला में रखते हैं। चलिए यहाँ पे ए के जगह पे तो ये रखिए आपका 4√2 x1 के जगह पे यहाँ पे है 2 प्लस बी तो 4 है और x2 के जगह पे है आपका 6 प्लस आपका फिर है सी, तो सी का मान कितना है, तो सी का भी मान 4 ही है यहाँ पे, तो 4 और गुना में आपका x3 यानी कि आपका हो जाएगा 2 और बटा में आपका a प्लस बी प्लस सी, यानी कि हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का मतलब 4√2 प्लस 4 + 4 कॉमा, उसी तरह से यहाँ पे a के जगह पे क्या है आपका 4√2 गुना में आपका क्या है y1, तो y1 का है आपका ये रहा 4 प्लस फिर b के जगह पे है आपका 4 और y2 के जगह पे कितना है 4 फिर प्लस है c, तो c के जगह पे 4 और आपका y3 कितना है तो वो है 0, y3 0 है ना। चलिए और बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 4√2 प्लस 4 + 4 ये ना होगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो अब आगे क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए ये 6 × 24 और 4 × 2 = 8, तो 24 और 8 कितना हो जाएगा 32 और प्लस ये देखिए 4 × 2 = 8√2। अच्छा ये नीचे देखिए कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 4 × 4 = 8 और प्लस में 4√2 कॉमा, यहाँ चलिए यहाँ पे देखिए ये आपका 4 × 16 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, बचेगा 16 प्लस ये भी 4 × 16√2 और बट्टा के नीचे देखिए यहाँ हो जाएगा 4 × 4 = 8 और प्लस आपका कितना होगा ये 4√2, ठीक है आपका। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देना हमें तो बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ क्या कॉमन है, कॉमन इसमें दिख रहा है आपको 8 कॉमन करिए तो यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा आपका √2, ठीक है। अच्छा नीचे क्या कॉमन होगा 4, यहाँ कितना बचेगा 2 और प्लस √2। चलिए आगे देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ 16 कॉमन होगा ऊपर तो यहाँ बचेगा 1 + √2। अच्छा नीचे क्या कॉमन होगा 4, तो यहाँ बचेगा 2 + √2। चलिए इसको काट देंगे 2 बार में और इसको काट देंगे 4 बार में, अब रिस्लाइज करना होगा, ध्यान से देखिएगा 2 ब्रैकेट के अंदर है 4 + √2 और नीचे है आपका 2 + √2,
इंटू करेंगे टू माइनस रूट टू से ऊपर भी और यहाँ नीचे भी, फिर कॉमा, इसको लिखिए चार ब्रैकेट के अंदर वन प्लस रूट दो और नीचे है टू प्लस रूट टू, यहाँ भी ऊपर टू माइनस रूट टू से और नीचे भी टू माइनस रूट टू से गुना करना होगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऊपर देखिए ये इसमें इससे करते हैं, दो बाहर ही रहने देते हैं। चलिए गुना करिएगा तो चार दूना आठ माइनस में चार रूट दो प्लस इसमें इसे प्लस का दो रूट दो और इसमें रूट दो में रूट दो से तो दो हो जाएगा माइनस का, और बट्टा में कितना हो जाएगा तो प्लस में है एक बार माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन होगा। फिर कॉमा देखिए यहाँ भी उसी तरह से चार ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा तो यहाँ ध्यान से देखिए इंटू करेंगे तो टू माइनस रूट टू प्लस टू रूट टू माइनस टू बट्टा में वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। सर यहाँ आगे देखेंगे इसको, यहाँ घटाएंगे तो देखिए यहाँ इसमें से इसको घटा दीजिए छः और ये घट जाएगा माइनस का दो रूट दो और बट्टा में कितना जाएगा तो दो का स्क्वायर चार और रूट दो का स्क्वायर दो चार माइनस दो। चलिए यहाँ भी देखिए उसी तरह से चार देखिए दो और दो कट जाएगा, ये घटेगा ना यहाँ पे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका तो ये आपका रूट दो आ जाएगा, यही ना आएगा इसमें इसको घटेंगे तो। नीचे देखिए दो का स्क्वायर चार रूट दो का स्क्वायर दो, आगे सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए ये आपका दो ब्रैकेट के अंदर छ माइनस दो रूट दो और बट्टा में यहाँ भी दो हो जाएगा कॉमा, ऊपर है चार रूट दो और नीचे है आपका कितना दो, इसको इसको काट देते हैं दो बार में, ये दो से दो हो गया यानी कि यहाँ से आपका जो अंतःकेंद्र है वो आ गया छः माइनस दो रूट दो और कॉमा में दो रूट दो, ये आपका आंसर हो जाएगा अंतःकेंद्र का और ऊपर आप केंद्रक निकाल चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष, ये तीनों शीर्ष दिए गए हैं, क्या करना है इसमें, प्रत्येक माध्यिका का त्रिभाग बिंदु जो सम्मुख भुजाओं के नजदीक है का निर्देशांक निकालिए। देखिए ये क्वेश्चन को घुमा दिया, एक्चुअल में आपको केंद्रक ही इसका निकालना है, ठीक है। देखिए आप देखिए फिगर से, यहाँ देखिए एक त्रिभुज बना है, अब त्रिभुज के यहाँ से जो माध्यिका खींचेंगे प्रत्येक माध्यिका और त्रिभाग बिंदु का मतलब समझ रहे हैं, उसके भुजा को वो क्या करता है तो तीन हिस्से में बांटता है, कैसे तो देखिए ये आपको दो अनुपात एक में बांटता है ना, आपको बता रखे हैं ये जो है ये केंद्रक जो होता है ये क्या करता है माध्यिका को दो अनुपात एक भागों में बांटता है ना, तो वही यहाँ कर रहा है प्रत्येक माध्यिका का त्रिभाग बिंदु, ठीक है, तीन हिस्से में से एक हिस्से में जो बिंदु है उसके बारे में कह रहा है जो सम्मुख भुजा के नजदीक है, सम्मुख भुजा यानी इसके भुजा के नजदीक ये है, इधर से ज्यादा दूरी पे हो सम्मुख भुजा के नजदीक है, इधर से सम्मुख भुजा के नजदीक है, इधर से सम्मुख भुजा यानी एक केंद्रक की बात कर रहा है, यानी कि इसका आप केंद्रक निकाल देंगे तो आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा, तो बना दीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, कह रहा है कि इसी त्रिभुज के दो शीर्ष दिए गए हैं तथा इसका केंद्रक दिया हुआ है तो इसके तीसरा शीर्ष निकालना है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो एक त्रिभुज बना लीजिएगा फटाफट, एक त्रिभुज इसका नाम दीजिए ए बी सी, ठीक है। अच्छा इसका केंद्रक को यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं किसका जी केंद्रक है, ठीक है। अच्छा दो शीर्ष दिए गए हैं एक कॉमा चार एक है और एक यह पांच कॉमा दो और तीसरा शीर्ष है हमारे पास एक्स कॉमा वाई, इसको मान लेते हैं, ठीक है। चलिए और इसका केंद्रक जो है आपका जीरो कॉमा माइनस तीन है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे कि माना 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 त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक जीरो कॉमा माइनस तीन कौन है तो इस बिंदु का नाम जी है, ठीक। केंद्रक क्या है जी बिंदु है जिसका निर्देशांक है जीरो कॉमा माइनस तीन, यहाँ त्रिभुज बना लिए तथा इसके शीर्ष क्रमशः ए एक कॉमा चार बी पांच कॉमा दो और सी एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, ये हम लोग माने हुए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, तो आपको त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए फॉर्मूला तो जानते ही ना, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बट्टा थ्री, ये रहा एक्स वन ये रहा एक्स टू ये रहा एक्स थ्री। अच्छा फिर कॉमा देखिए वाई वन यानी कि चार प्लस वाई टू यानी कि टू और प्लस वाई थ्री यानी कि वाई वाई वन वाई टू प्लस वाई थ्री और बट्टा में थ्री है ना, बराबर हो जाएगा आपका जीरो कॉमा माइनस तीन, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए पाँच एक छः
छः प्लस एक्स बट्टा तीन हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा आपका, छः दो आठ बट प्लस वाई सॉरी चार दो छः, चार दो छः और प्लस वाई और बट्टा में थ्री बराबर में जीरो कॉमा माइनस तीन। यहाँ से अलग अलग कर देते हैं ठीक है। चलिए यहाँ से हो जाएगा छः प्लस एक्स बट्टा तीन बराबर में जीरो, छः प्लस वाई बटा में तीन बराबर में माइनस तीन, ये जाके जीरो में क्या करेगा जीरो, छः प्लस एक्स बराबर जीरो यानी एक्स का मान आ गया माइनस का छः। यहाँ देखिए छः प्लस वाई बराबर माइनस का नौ, जाके उधर घट जाएगा वाई बराबर हो जाएगा माइनस नौ माइनस छः यानी कि वाई बराबर माइनस का पंद्रह। तो सी का नियामक आ गया ना, इसलिए बिंदु बिंदु सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक आपका आ गया माइनस छ कॉमा माइनस का पंद्रह। समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है इनके भुजाओं के मध्य बिंदु दिए गए हैं, उसके शीर्ष दिए गए, उसका निर्देशांक दिया गया तथा इसका अंतःकेंद्र के नियामक आपको निकालना है। चलिए तो देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले अगर आपको त्रिभुज के शीर्ष पता चल जाए तो आपको सिखा चुके हैं अंतःकेंद्र के नियामक कैसे निकलेंगे, ठीक है ये तो आपको पता है। चलिए तो इस त्रिभुज का नाम मान लेते हैं ए बी सी। अच्छा ए बी का जो मध्य बिंदु है वो मान लेते हैं पी, इसका मध्य बिंदु क्यू और ये ए सी का मध्य बिंदु आर। तो पी का नियामक हो जाएगा आपका एक बट्टा दो कॉमा जीरो। अच्छा क्यू का नियामक हो जाएगा एक बट्टा दो कॉमा एक बट्टा दो और आर का नियामक हो जाएगा जीरो कॉमा एक बट्टा दो। यहाँ मान लेंगे कि माना माना त्रिभुज ए बी सी कि भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु पी क्यू तथा आर है, तथा आर है ठीक है। और इसके नियामक हम लोग यहाँ पे दर्शा दिए हैं ठीक है। अच्छा त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के नियामक, शीर्षों के नियामक, शीर्षों के नियामक, शीर्षों के नियामक क्या क्या है, तो ए का मान लेते हैं x1 y1 ठीक है, बी का मान लेते हैं x2 y2, x2 y2 और सी का मान लेते हैं x3 y3 है ठीक है, तीन मान लेते हैं यहाँ पे। ये रहा आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा आपका x3 y3। अब देखिए अगर हम लोग तीनों शीर्ष निकाल दिए ना तो आप आसानी से आप अंतःकेंद्र निकाल सकते हैं, फॉर्मूला सिखा चुके हैं। आप तीनों भुजा की लंबाई निकालेंगे पहले ए बी की, बी सी की और ए सी की ठीक है, और उनको ए बी सी मानकर जो आपको फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में बताया ना उस तरह से बना लेंगे ठीक है। चलिए तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, अगर हम तीनों शीर्ष निकाल कर छोड़ देंगे आप अंतःकेंद्र आगे कर लीजिएगा है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन बताया है। मेन है आपको तीनों शीर्ष पता होना चाहिए तभी बनेगा। चलिए तो तीनों शीर्ष निकालते हैं। तो चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि P जो है AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, P जो है AB का मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा वहां पर फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर में एक बट्टा दो कॉमा जीरो, अलग अलग कर दीजिए। तो एक्स वन प्लस एक्स टू बट्टा टू बराबर एक बट्टा दो, दो से दो कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू बट्टा टू बराबर में जीरो, तो ये जाकर उधर जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका एक एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर वन और एक हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू बराबर जीरो ठीक है। चलिए तो एक एक करके इसको एक समीकरण, इसको समीकरण दो मान लीजिए। फिर यहाँ दोबारा से देखिए, चूंकि आपका जो Q है, Q BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला X2 प्लस X3 बटा 2 प्लस Y2 प्लस Y3 बटा 2 बराबर में हो जाएगा आपका एक बट्टा दो कॉमा एक बट्टा दो, ये ना होगा आपका। चलिए यहाँ से भी आपको दो समीकरण मिलेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x2 प्लस x3 बट्टा 2 बराबर एक बट्टा दो और y1 प्लस सॉरी y2 प्लस y3
बटा टू बराबर में एक बटा दो, नीचे दो से दो कट जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका दो इक्वेशन और आ जाएंगे, एक्स टू प्लस एक्स थ्री बराबर में वन, ये समीकरण आप मान लीजिए इसको तीन ना, और हो जाएगा वाई टू प्लस वाई थ्री बराबर में वन, ये आपका समीकरण चार हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से फिर भुजा एसी के लिए चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि आर जो है ना एसी का मध्य बिंदु है, चूंकि आर आर एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, आर जो है एसी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब आपका एक्स वन प्लस एक्स थ्री बटा टू कॉमा वाई वन प्लस वाई थ्री बटा टू बराबर में जीरो कॉमा वन बाई टू, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स थ्री बटा टू बराबर जीरो, वाई वन प्लस वाई थ्री बटा टू बराबर वन बाई टू, इससे ये कट जाएगा, ये जाकर जीरो में गुणा करके जीरो हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स थ्री बराबर जीरो, ये समीकरण पाँच, और वाई वन प्लस वाई थ्री बराबर वन समीकरण छः। अब छो समीकरण से सारे मान निकालेंगे एक एक करके, तो चलिए निकालते हैं सभी समीकरण को एक साथ करके। चलिए छह समीकरण एक साथ ले लिए, समीकरण एक तीन को जोड़ गए और उसमें से पांच घटा लेते, देखिए इन तीनों से अलग एक्स वन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री निकलेगा और इन तीनों से वाई वन वाई टू वाई थ्री निकलेगा। तो यहाँ देखिए समीकरण एक तथा तीन को जोड़कर जोड़कर समीकरण समीकरण पांच घटाने पर, समीकरण पांच घटाने पर, ध्यान से देखिएगा इसको इसको जोड़ेंगे और पांच को घटा देंगे, चल तो हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू है ना, देख रहे हैं ना, सॉरी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस प्लस सॉरी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री है ना, ये ना हो जाएगा आपका प्लस एक्स थ्री, देख लिए ना समीकरण एक वाला ये दोनों और ये दोनों है ना, समीकरण तीन वाला ये जोड़ दिए और घटा देना है पांच को, यानी कि एक्स वन माइनस का एक्स थ्री बराबर हो जाएगा वन प्लस वन माइनस जीरो, देख रहे इन दोनों को जोड़ना है इसको घटाना है। चलिए एक्स वन एक्स थ्री कट जाएगा ना, देखिए यहाँ से हो जाएगा टू एक्स टू बराबर में आपका टू आ जाएगा, टू ही ना होगा यहाँ पे, चलिए इसको ले जाएंगे भाग में, यानी कि यहाँ से x2 बराबर आ गया 1। अब जब x2 का मान 1 आ गया तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से x1 बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा ना, चलिए x2 का मान अगर समीकरण 2 में रख देंगे 1 तो x3 बराबर भी क्या आ जाएगा आपका 0, x3 भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। उसी तरह से इन तीनों से आप समीकरण किसको किसको तो दो को चार को जोड़ दीजिए और छः को घटा दीजिए, समीकरण दो तथा चार को जोड़ने 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 या जोड़कर ऐसे लिखते हैं, स्टेटमेंट थोड़ा सही कर तो जोड़कर जोड़कर समीकरण समीकरण छः घटाने पर छः घटाने पर जोड़कर घटा देंगे, तो इन दोनों को जोड़ना है, यानी हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन माइनस वाई थ्री, इन दोनों को घटाना है ना, चलिए तो वहाँ हो जाएगा जीरो प्लस वन माइनस वन। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए यहाँ वाई वन वाई थ्री कट जाएंगे, ये दोनों हो जाएगा टू वाई टू बराबर में ये जीरो, यानी कि यहाँ से वाई टू बराबर क्या आ जाएगा जीरो, तो जब y2 का मान जीरो आ गया तो समीकरण एक में रखेंगे तो y1 भी जीरो हो जाएगा, चलिए तो y1 बराबर आ गया जीरो। ठीक है, और y3 की बात करें तो समीकरण चार में रखेंगे तो समीकरण चार में यहाँ रखेंगे y2 की जगह पे जीरो, तो ये जाकर उधर घट जाएगा, वन में जीरो जाएगा तो आपका वन ही आएगा, यानी y3 आ गया वन, इसलिए यहाँ से आपका जो त्रिभुज ए बी सी था उसके शीर्ष यहाँ से आ गए, कौन कौन से शीर्ष है यहाँ लिख देते हैं, ए तो ए देखिए क्या था एक्स वन वाई वन, तो ये रहा जीरो और वाई वन ये रहा कहाँ गया जीरो जीरो जीरो। ठीक है, अच्छा बी बी शीर्ष है तो बी शीर्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा तो एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू किधर है एक्स टू ये रहा वन, अच्छा वाई टू किधर है जीरो, अच्छा सी शीर्ष तो सी शीर्ष का क्या हो जाएगा एक्स थ्री
और वाई थ्री किधर है, एक्स थ्री जीरो और वाई थ्री वन, जीरो और वन। अब देखिए ये तीनों सिर्स आ गए तो आप त्रिभुज का अंतःखंड नहीं निकाल सकते अभी जो सिखाए थे पिछले क्वेश्चन में। तो इस वीडियो को आप लोग यहीं पिन करते हैं, लंबा होते जा रहा वीडियो, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मोर लिंक के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अन्य वीडियो के लिंक को ले सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या प्लेलिस्ट से भी दे सकते हैं।